लेकिन दुविधा की बात यह है यहाँ के जो तेजस्वी इंजीनियर है उनका देखिए कारनामा, ये डायवर्सन बोर्ड है और डायवर्सन बोर्ड उल्टी दिशा में है। हजारों गाड़ियां पूरे दिन आती हैं और डायवर्सन बोर्ड राइट शो कर रहा है यहाँ से, जबकि हमको जाना लेफ्ट है। अगर बताइए कि रात के समय में कोई गाड़ी दूर से इस बोर्ड को देखती है, क्योंकि डायवर्सन बोर्ड उल्टा लगा हुआ है और सीधा आएगी उस गड्ढे में जाएगी। जय हिंद दोस्तों, बता दूं अभी हम अररिया और जो गलगलिया जाने वाली जो बहादुरगंज होते हुए एक हाईवे बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैं उस हाईवे पे खड़ा हूँ। और बता दूं यहाँ इस हाईवे पे जो इंजीनियर काम कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो अंडर कंस्ट्रक्शन ये रोड है और जितना भी काम यहाँ हो रहा है आपको मैं बता दूं, अररिया से बहादुरगंज तक इतना ज़्यादा आपको फॉल्ट मिलेगा इंजीनियर का कि कहने की एक बात नहीं है। आपको बता दूं इधर अररिया है और देखिए कितना ज़्यादा ये रोड चल रहा है। बाकी बाद जो कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। और मैं बता दूँ आगे एक ब्रिज को कोलैप्स किया जा रहा है, मतलब तोड़ा जा रहा है। आप देखिए ये ब्रिज आगे कोलैप्स किया जा रहा है, मैं वहाँ भी ले जाऊँगा। और यहाँ पर बैरियर लगा हुआ है, लेकिन दुविधा की बात ये है यहाँ के जो तेजस्वी इंजीनियर है उनका देखिए कारनामा, ये डायवर्सन बोर्ड है और डायवर्सन बोर्ड उल्टी दिशा में है। हजारों गाड़ियां पूरे दिन आती हैं और डायवर्सन बोर्ड राइट शो कर रहा है यहां से, जबकि हमको जाना लेफ्ट है। अगर बताइए कि रात के समय में कोई गाड़ी दूर से इस बोर्ड को देखती है, क्योंकि डायवर्सन बोर्ड उल्टा लगा हुआ है और सीधा आएगी उस गड्ढे में जाएगी। यह है बिहार के तेजस्वी इंजीनियर। और जब इसी बात का खुलासा करना और यही भ्रष्टाचार को दिखाना होता है कि बिहार में कितने काबिल और कितने तेजस्वी इंजीनियर हैं, तो कहीं ना कहीं पत्रकार को दबाया जाता है। पूरा बात दिखाएंगे अभी। देखिए ये अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है, अररिया से गलगलिया जाने वाली रोड है, यहाँ काम धुरंधार चल रहा है कि हर दिन यहाँ डे नाइट 24 आवर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। देखिए डायवर्सन बोर्ड और इधर देखिए ब्रिज की हाल क्या है। यहाँ पर ब्रिज थोड़ा इधर आप देख सकते हैं, इधर रोड टूटा हुआ है, कंस्ट्रक्शन होगा, इस पर भी ये रोड बनेगा और आगे ब्रिज कोलैप्स किया जा रहा है। मैं दिखा रहा हूँ पूरा फुटेज, देख सकते हैं आप, ये हाईवे रोड है, वैसे पहले टू वे रोड था, अभी ये गलगलिया तक बन रही है। देखिए ब्रिज कोलैप्स है, आगे ब्रिज कोलैप्स किया जा रहा है, इधर से भी बनेगा। लेकिन अब देखिए डायवर्सन बोर्ड अहेड उल्टा किया हुआ है, इधर से तो मायने ही नहीं रह जाता है। लेकिन एक इंजीनियर भाई बोल रहे थे कि देखिए वहाँ क्रॉस लगा हुआ, उधर दिखाइए, कौन सा इंसान इतना आँखों में उसका दूरबीन लगा है कि उस साइड से वो उसका क्रॉस बोर्ड उल्टा दिखेगा। इधर ये मैं दिखा रहा हूँ पूरा, ये है बिहार की इंजीनियरिंग। इसलिए अगर इंजीनियरों को कहीं ना कहीं मनीष कश्यप नाम के एक इंसान इसी तरह के न्यूज़ दिखाते थे। और देखिए आज उनको जेल डाला गया है। ये देखिए बोर्ड, पहले इससे समझिए कि डाइवर्सन किधर दिखा रहा है। देखिए ये जो तीर है, ये तीर दिखा रहा है इस साइड उधर से आने वाले लोगों के लिए, और जबकि लोग इस होके जा रहे हैं, गाड़ी देखिए ना आप आ रहा है जा रहा है। ये है बिहार के इंजीनियर लोग। अगर कोई अनजाने में रात में डायवर्सन उधर समझ के इस बोर्ड के कारण अगर उधर चल जाता है तो कौन लेगा इसका जिम्मेदार? जो नितिन गडकरी जी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप देखें कि बिहार में जो आपके हाईवे पर काम होता है और आपके जो तेजस्वी इंजीनियर लोग हैं उनका तेजस्वी कारनामा। अब बताइए अगर कोई आके ठुकता है तो उसमें जिम्मेदारी कौन है? यहाँ लोग हैं, इनको कुछ पता नहीं है, एक भाई साहब है। ये जो रोड है काम अभी स्टार्ट है, चल रहा है ना, उधर से लोग आके इस होके जाते हैं लेफ्ट साइड से, ये डायवर्सन बोर्ड उधर लगा हुआ है। हाँ। दूर से गाड़ी आएगी रात में वो बोर्ड देख के चलेगी ना, क्योंकि रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, गाइडलाइन यहाँ जो लगाया हुआ है। और जो गाड़ी अगर इधर से आके उधर, क्योंकि बोर्ड के अनुसार उधर जाना है जी, अगर उधर घुस जाएगी तो गड्ढा में जाएगी, उसका क्या हाल होगा? हाँ, कोई दुर्घटना हो सकता है उससे। किसकी गलती है? गलती ठेकेदार लोग का है। किसकी गलती है बताइए अंकल? गाड़ी वाले का गलती है। गाड़ी इधर जाना गाड़ी वाले का गलती है? ये बोर्ड कौन लगाया है? कंपनी का ना है। इधर आइए आप, चाचा जी आपको बोलेगा लेफ्ट जाने तो आप राइट घुसिएगा, बोर्ड देखिए ना उधर जाने बोल रहा है, तो गलती गाड़ी वाला का होगा, बोर्ड देख के ना चलेगा अंडर कंस्ट्रक्शन में, तो बोर्ड उधर का है, तो गलती आप किसका है? नहीं वो बात नहीं बोलते हम, जैसे बोर्ड लगा हुआ बोर्ड ऐसे जगह, हाँ तो उधर ना घुसेगा, हाँ उधर गड्ढा है ना चाचा, हाँ गड्ढा है, गड्ढा में हम गिर जाएंगे तो क्या होगा? खतरा होगा, क्या होगा? खतरा होगा ना। किसकी गलती है? गलती गाड़ी वाला का है। गाड़ी वाला के जो जाएगा उसका गलती है भाई। नहीं नहीं रोड गल किसका है चाचा जी? आप बोलिए, आप समझ गए बात को, किसकी गलती है? कंपनी का। कंपनी का गलती है ना, उसको इधर डायवर्सन देना था ना। देखिए
एक बूढ़े चाचा वो भी बता गए कि डायवर्सन बोर्ड इधर होना चाहिए, लेकिन बिहार के इंजीनियरों की कमाल बात है, उनको ये समझ नहीं आती कि डायवर्सन बोर्ड किधर होनी चाहिए। और ये बता दूं, नेशनल हाईवे है, इतना बड़ा हाईवे कि इतने बड़े बड़े इंजीनियर का कमाल देखिए कि डायवर्सन बोर्ड को उल्टा लगाते हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकती है बिहार की। मैं नितिन गडकरी जी आपसे निवेदन करता हूं कि थोड़ा इंजीनियरों पे ध्यान दिलवाइए, ताकि किसी जो लोग हैं यहां जो यातायात करते हैं उनकी जान बच सके। जय हिंद।